everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So today I'm going to guide you how to prepare for SPOM SAT A. तो अब आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और सबसे पहले बच्चों को जो चिंता है कि सर स्पॉम के एग्जाम्स फटाफट दे दें ताकि अपन अपनी बाकी तैयारी शुरू कर सकें, बिकॉज जब तक स्पॉम सेट ए सेट बी क्लियर नहीं हो जाता तब तक अपन क्या नहीं कर सकते सर, आगे के एग्जाम्स नहीं दे सकते. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी क्लियर टू यू नो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द स्पॉम एग्जामिनेशंस. तो सबसे पहले आई बिलीव कि यार आपने ICAI की तरफ से जो वीडियोज दिए गए हैं उनको देखना शुरू कर दिया है. ICAI की तरफ से जो 40 आवर्स का मिनिमम लर्निंग प्रिस्क्राइब्ड है आपने वो देखना शुरू कर दिया है. ईमानदारी से उसे देखिए, जल्दी जल्दी देखिए. अभी ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे बाद में आपको रिग्रेट फील होगा यार कि वो टाइम हमने गवा दिया. तो फटाफट उन वीडियोस को देखना स्टार्ट करें. और दूसरी चीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि क्योंकि आप 40 घंटे का कंटेंट देख ही रहे हो तो ठीक है यार शिद्दत से देख लो, है ना. जो मैंने सुना है कि ठीक है वो क्लासेस शायद उतने इफेक्टिव नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड बट आई डोंट नो. बट स्टिल जब आप क्लासेस देख रहे हो तो यार शिद्दत से देख लो, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलेगा. अगर कोई स्लाइडें भी रीड हो रही हैं तो एक तरीके से आपका रिविजन हो रहा है ना यार, सेल्फ स्टडी हो रहा है. ये सोचो कि मेरे साथ साथ सेल्फ स्टडी हो रहा है, वो स्लाइडें भी रीड हो रही हैं, टीचर कुछ बोल रहा है तो आप कुछ सुन रहे हो, साथ साथ आपका कुछ रिवाइज हो रहा है, साथ साथ आपका एक सेल्फ रीडिंग हो रहा है, ताकि 40 घंटे में कुछ तो ऑप्टिमम यूसेज निकले, है ना. सो दैट इज समथिंग यू कैन डू. अब देखिएगा स्पॉम सेट ए की तैयारी कैसे करनी है. एंड द मेन थिंग इज दैट कि सर स्पॉम सेट ए की तैयारी करनी भी है, पास भी होना है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये अपना बाकी जो पेपर्स है उसके साथ एग्रीगेट होकर अपने मार्क्स में काउंट नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई पास भी होना है बट उतने एफर्ट्स भी नहीं लगाने हैं. तो अब देखिए अगर हम बात करें स्पॉम सेट ए की, तो स्पॉम सेट ए के अंदर अपना कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, अपना जो सिलेबस है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द सिलेबस, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको एक्सप्लोर कैसे करना है. तो सबसे पहले कंपनी लॉ, उसके बाद आता है सिक्योरिटी लॉज, उसके बाद आता है इकोनॉमिक लॉज. अब आपको मैं एक बात बता दूं, कंपनी लॉ और इकोनॉमिक लॉज पूरा का पूरा सेम है जो अपना नवंबर 23 में हुआ करता था. रैदर कहीं कहीं सिलेबस कम किया है, सिलेबस भराया नहीं है इन कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक लॉज. तो चाहे कंपनी लॉ की बात करें जिसके अंदर डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, वाइंडिंग अप, वो सारे चैप्टर्स हैं. या फिर अपन इकोनॉमिक लॉज की बात करें जिसके अंदर वी हैव ओनली 3 चैप्टर्स, फेमा, FCRA एंड IBC कोड, ठीक है. तो चाहे अपन कंपनी लॉ की बात करें, चाहे अपन इकोनॉमिक लॉज की बात करें, मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कट बता दूं कि नवंबर 23 का जो अपना ओल्ड सिलेबस था और नवंबर 23 में जो पेपर 4 था और उसका जो सिलेबस था वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है. यस, पेपर पैटर्न में डिफरेंस रहेगा, पेपर पैटर्न में डिफरेंस रहेगा कि उस वक्त 30 मार्क्स का MCQ 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था, अब आपका पूरा का पूरा क्या होने वाला है, MCQ होने वाला है. तो यस, पेपर पैटर्न में डिफरेंस रहने वाला है बट अदर देन दैट द कॉन्सेप्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम. अब ये बात आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, सर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपने नवंबर 23 की शायद किताबें रखी हो, बुक्स रखी हो, आप उनको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको उसमें कम्फर्ट मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा नवंबर 23 के जो रिवीजन वीडियोस अवेलेबल हैं मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, डायरेक्टर्स का रिवीजन वीडियो है, बोर्ड मीटिंग का रिवीजन वीडियो है, राइट, अपना फेमा का 2022 का रिवीजन वीडियो है, बहुत ही एग्जॉस्टिव रिवीजन वीडियो है. तो वो सारे रिवीजन वीडियोस आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज उनके बाद कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं है, उसके बाद कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं है, और चेंजेस हुआ भी रहेगा तो एकदम माइनर रहेगा, जो जिसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा. तो कहने का मतलब ये है यार कि तुम बेफिक्रे होकर बिना टेंशन के नवंबर 23 वाले सारे रिवीजन वीडियोस यूज़ कर सकते हो. नवंबर 23 की आपकी जो बुक्स थी वो भी रेलिवेंट है, नवंबर 23 की आपकी जो क्लासेस थी वो भी रेलिवेंट है, और नवंबर 23 के आपके जो रिवीजन वीडियोस थे वो भी रेलिवेंट है, और तो और मेरे जो रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स थे जिनको यूज़ करके आप बहुत बेनिफिट उठाते थे वो भी रेलिवेंट है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो. अमेंडमेंट्स का क्या है, माइनर रहता है, आप अलग से कर सकते हो, ठीक है जी. तो दैट इज समथिंग इट मस्ट बी क्लियर. मतलब कोचिंग्स मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग चाहिए ही चाहिए, कोचिंग बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आप आराम से पुराने रिवीजन वीडियोस से भी काम चला सकते हो. एंड एक बात आपको और बता दूं, मैं नए रिवीजन वीडियोस भी लेकर आने वाला हूं स्पॉम के लिए, तो टेंशन लेने की एकदम बात नहीं है. करीबन 15 से 20 घंटे में अपन पूरा स्पॉम रिवाइज करेंगे, तो एकदम बढ़िया वाला एकदम मज़ेदार रिवीजन वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं स्पॉम के लिए, तो टेंशन नॉट. अब सिक्योरिटी लॉज की बात करें तो ये सिक्योरिटी लॉज में कुछ चीज़ें पुरानी हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं. सिक्योरिटी लॉज में सेबी एक्ट, सेबी ऑर्डर पहले भी था, पुराने सिलेबस में भी था, सेम कंटेंट एप्लीकेबल है, बट कुछ नए रेगुलेशंस आए हैं, सेबी ICDR, सेबी सेस्ट, सेबी PIT, कुछ नए रेगुलेशंस आए हैं.
तो ये जो नए रेगुलेशन है इसमें नयापन है कि पुराने सिलेबस में नहीं हुआ करता था। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ठीक है यार, नए रेगुलेशन से अपन देख लेंगे, बट एज सच आप नहीं भी देखोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने को 50 नंबर लाना है, पूरा पेपर जो है MCQ बेस्ड है, तो इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। अगर किस्मत बहुत ख़राब नहीं हुई तो इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद इकोनॉमिक लॉज में 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स है, सॉरी, फेमा, FCRA, IBC कोड। और इसमें आपको मैं बता दूँ सिलेबस कम हुआ है, IBC का सिलेबस तो पूरा आधा कर दिया है, बहुत सारे रेगुलेशन IBC से हटा दिए हैं। तो आपके पास नवंबर 23 की किताबें हैं, मैं आपको मार्क करा दूंगा कि IBC के ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। नवंबर 23 के वीडियोस हैं, मार्किंग्स हो जाएंगी। नवंबर 23 का रिवीजन वीडियो यूज़ करना है, आराम से कीजिए। बाद में आपको मैं मार्क करा दूंगा कि ये इससे हटा दो, या स्टडी मैट से मिला के खुद ही कर सकते हो। तो मतलब आराम से वो सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ यार, कि ICA का भी जो 40 घंटे का क्लास है, अनलेस एंड अंटिल कि बिल्कुल झेला नहीं जा रहा है, डोंट नो अबाउट इट, ट्राई करो उसको शिद्दत से देखने का कि कुछ सीखने को मिले, साथ साथ एटलीस्ट एक रिविजन हो सके। तो इसका मतलब आप नवंबर 23 की बुक्स, क्लासेस, रिविजन सब कुछ यूज़ कर सकते हो। अब मेरी तरफ से आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिलने वाला है आपके प्रिपरेशंस के लिए, बिकॉज आपको पता है कि हर अटेम्प्ट मेरी तरफ से आपको ढेर सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो मेरी तरफ से क्या क्या रिसोर्सेज मिलेगा आपको आपके प्रिपरेशन के लिए, तो रिसोर्सेज हमेशा दो तरीके के प्रोवाइड करता हूं मैं, एक होता है पेड रिसोर्सेज और दूसरा होता है फ्री रिसोर्सेज। तो पेड रिसोर्सेज के अंदर मेरी जो पूरी नवंबर 23 वाली क्लासेस थी वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही कंसेशनल प्राइस में। आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा 100 आवर्स का रेगुलर लेक्चर देखने का मन है, 2000 रुपये में अवेलेबल है। और अगर फास्ट ट्रैक कोर्स 60 आवर्स का देखने का मन है तो आपका 1200 में अवेलेबल है विथ ई बुक्स। तो बहुत ही कंसेशनल प्राइस में नवंबर 23 की क्लासेस अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको क्लासेस लेनी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बिना क्लासेस लिए भी इस पेपर का काम चला सकते हो, राइट, बट डिपेंड अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं आपको बोल रहा हूँ क्लासेस की नीड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बिना क्लासेस के हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। देर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनको यार जब तक क्लासेस ना लो वो फील नहीं आता, तब तक एग्जाम का किक नहीं मिलता, तो ठीक है आप क्लासेस लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन का। और फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे न्यू रिवीजन वीडियोस मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तब तक आप पुराने रिवीजन वीडियोस भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुराने रिवीजन वीडियोस यूज़ कीजिए, जाइए एग्ज़ाम दीजिए। उसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको MCQ बुकलेट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर पूरे के पूरे MCQs लॉ के, जितने अपने पुराने सिलेबस के MCQs थे, SM वाले, RTP वाले, MTP वाले, और अभी इस फॉर्म के स्टडी मैट में जो नए नए MCQs इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, वो सारा कंपाइल करके आपको एक शानदार सा MCQ बुकलेट दूंगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से कर लेना। और उसके अलावा आपको पता है कि ये जो फॉर्म की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, दोबारा से आपको इसके नीट पेपर 6 में पढ़ने वाली है, तो आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव इंडेक्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं पेपर 6 के लिए, ठीक है। आपका स्टडी पैटर्न क्या रहना चाहिए इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो एक चीज़ देखिएगा यार, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है नहीं, खाली MCQ बेस्ड है, तो आपने लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है। अब आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस करना है और कॉन्सेप्ट को रिटेन करने में फोकस करना है, ठीक है जी। हर कॉन्सेप्ट का एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कीजिए, और उस विजुअलाइजेशन को अपने मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको रिपीट कीजिए। दैट्स द सिंपल फॉर्मूला। हर बार आपको किताबें रीड नहीं करनी है, किताबों की लैंग्वेज रीड नहीं करनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट को एक सिंप्लीफाइड, एक विजुअलाइज्ड फॉर्म में डेवलप कीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, अपने मदर टंग में रिक्रिएट करके उसको रिकॉल कीजिए। उतना करोगे आपका काम चल जाएगा। और एक और चीज़, 80% कवरेज भी आई थिंक सफिशियंट रहेगा इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली पास होना है, तो 80% कवरेज भी सफिशियंट है। आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उस चीज़ को आप छोड़ भी सकते हो। मान लीजिए वाइंडिंग अप बहुत टफ लग रहा है या सेवी के नए रेगुलेशंस बहुत टफ लग रहे हैं, तो उसके अलावा बाकी सब कर लीजिए, खाली वो छोड़ दीजिए। थोड़ी बहुत किस्मत इन्वॉल्व होगी कि कहीं सर उससे बहुत ज़्यादा आ गया, तो थोड़ी बहुत किस्मत इन्वॉल्व होगी, बट ठीक है, उतना रिस्क ले सकते हो। बिकॉज अगेन आई डोंट वांट कि आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज अभी इनिशियली इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में लगा दें, क्योंकि आपको अपना मेन प्रिपरेशन CA फाइनल का स्टार्ट करना है, राइट। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी आपको मेरी तरफ से जो भी असिस्टेंस चाहिए मैं अवेलेबल हूँ, आपको मेरी तरफ से जो भी गाइडेंस चाहिए मैं अवेलेबल हूँ, चाहे फॉर्म के लिए हो, चाहे अपना ऑडिट के लिए हो। तो दोनों सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए मेरी तरफ से, मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन माई पर्सनल नंबर, राइट, 8638585920।
ऑडिट की क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वो भी apnamentor.com में अवेलेबल है, स्पॉम की क्लासेस अगर आपको चाहिए वो भी apnamentor.com में अवेलेबल है, आपको फ्री रिविजन वीडियोज यूज़ करने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स यूज़ करने हैं तो अगेन उसका लिंक भी मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।